पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के लिए भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के सवाल मुश्किल पैदा कर रहे हैं। देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में जारी वृद्धि के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रयोग करने की सलाह दी है। बुधवार को पटना में जब पत्रकारों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे अंदाज में कहा कि फिलहाल तो कीमत बढ़ी हुई है, लेकिन अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ना बढ़े और घट जाए तो सबको अच्छा लगेगा। लगे हाथों नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैं तो खुद इलेक्ट्रिक वाला वाहन प्रयोग करता हूँ, क्या वाहन पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों का असर तो सीधे तौर पर कम हूँ या अधिक पर्यावरण पर होता ही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो बढ़ रहा है, ये बात ठीक कह रहे हैं। आप बिजली की गाड़ी पे चलते हैं, आपने एक बार बोला भी था कि इसी का समय आएगा। आप तो जानते ही बिजली की गाड़ी पर चूंकि हम लोगों की इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। लेकिन डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका वाहन चलता है तो कुछ ना कुछ तो उसका होता ही है। दाम कम होने चाहिए ना सर? अब दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है सबको दिख रहा है। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं। वहीं कई स्थानों पर पेट्रोल की कीमतें 95 रुपए से अधिक की दर को छू रही है। वहीं डीजल के दाम में भी लगातार वृद्धि की वजह से आम जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। मालूम हो कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में जारी वृद्धि का असर बिहार पर भी दिखने लगा है। पटना में चलने वाले लगभग 30,000 ऑटो रिक्शा ने इसी महंगाई के कारण अपने किराए में 20-30% तक की वृद्धि की है, जिसके बाद लोगों को पहले से 2-3 रुपए अधिक तक ऑटो का किराया देना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के बीच आम लोगों ने भी इसकी कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार यानी 16 फरवरी 2021 को पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन वृद्धि दर्ज की गई। मुंबई में जहां पेट्रोल 95 रुपए के ऊपर चल रहा है, वहीं दिल्ली में पेट्रोल 90 का आंकड़ा छूने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को जहां पेट्रोल के दामों में देश भर में 26-30 पैसे की बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल के दामों में 33-38 पैसे की वृद्धि की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।